हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बाजरा खरीफ क्रॉप के अंतर्गत बाजरा यानी पेनिसिलियम ग्लूकम के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, हमने लिख दिया है, केवल वीडियो को शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है। जैसे लिखते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, पहले हमने लिख दिया है, अब केवल आपको बताना रहेगा। ठीक है ना, तो कम समय में पूरा वीडियो हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं बाजरा। बाजरा बाजरा का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, पेनिसिलियम ग्लूकम होता है। क्या होता है, ये न्यू नेम है और पुराना नेम क्या था, पेनिसिलियम अमेरिकनम। ठीक है, पेनिसिलियम अमेरिकनम था और न्यू नेम जो है पेनिसिलियम ग्लूकम था, ग्लूकम। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली कौन सी है, आपकी ग्रामनी है। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 14 होता है। अगर ओरिजिन प्लेस की बात की जाए तो ओरिजिन प्लेस आपका अफ्रीका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, क्षेत्रफल और वितरण। ठीक, तो अगर देखा जाए वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए, अगर एरिया एंड प्रोडक्शन के मामले में तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर है, इंडिया फर्स्ट रैंक पर है वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर। फिर उसके बाद अगर बात की जाए भारत में कहां पर कौन सा स्टेट, ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट लीड करता है एरिया में और प्रोडक्शन में, तो राजस्थान है जो लीड करता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। और कहने का मतलब है एरिया और क्षेत्रफल दोनों में राजस्थान है, बट राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जहां पर प्रोडक्शन अधिक है और ज्यादा एरिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, तो बाड़मेर नामक स्थान है जहां पर ज्यादा क्षेत्रफल में खेती की जाती है। अलवर जो स्थान है वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद क्लाइमेट की बात की जाए तो ये जो है गर्म व आर्द्र जलवायु का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जो रेनी सीजन होता है सब ट्रॉपिकल मतलब समशीतोष्ण जलवायु से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉइल मृदा कैसे होनी चाहिए, तो इसके लिए जो कहने का मतलब ये है कि अच्छा उत्पादन के लिए, ठीक है, अच्छे उत्पादन के लिए सैंडी लोमी सॉइल जो है बेटर होती है। ठीक है, जिसका पीएच 4.5 से 7.0, ठीक है ना, 4.5 से 7 के बीच में हो तो अति उत्तम होता है अच्छे पैदावार के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए। फिर बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट की, तो वाटर रिक्वायरमेंट 250 से 300 mm होनी चाहिए। ठीक है, कितने एमएम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 250 से 300 mm रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं सीड रेट की, किसकी बात करेंगे, सीड रेट, सीड डेट में अगर ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब जो छिटकाव विधि होते हैं, छिटका अगर बोलते हैं उसमें 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 4.5 किलोग्राम यानी 4 किलोग्राम और 500 यानी 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं यानी नर्सरी होने के बाद हम पौधे को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इनफ होता है, वो पर्याप्त होता है। ठीक है, फिर वैरायटी की बात करते हैं, वैरायटी में देखते हैं HB1, इसकी जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई सन 1965 में। ठीक, उसके बाद पूसा मोती है, ये जो है ओल्ड वैरायटी है ICAR के द्वारा डेवलप की गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है जैसे कि आपकी ये वाली है HHB67, फिर है RHB30 है, ये भी क्या था आपकी बाजरा की है WCC75, MH179, BJ104, HS1, RJ171, PHB10 और पूसा सफेद। इसकी कुछ मुख्य किस्में हैं जिसमें कि आपका HB1 पूसा मोती, HHB67 और RAJ171 पूसा सफेद PHB10, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है जो कि पूछी जा सकती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें हम कुछ बाजरा के बारे में, तो बाजरा को जो है पुअर मैंस फूड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गरीबों का अनाज कहा जाता है, पुअर मैंस फूड यानी कि गरीबों को अनाज कहा जाता है। बाजरे का दाना क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस कहलाता है। फिर उसके बाद ये जो बाजरा है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, पर परागित फसल होती है और ये सारे प्लांट के जितना भी खरीफ की क्रॉप है लगभग लगभग एक आप को नहीं कह सकते, लगभग लगभग जितनी भी क्रॉप है सारे प्लांट के अंतर्गत आती है। दाना तो हमने बता दिया है कैरियोप्सिस कहलाता है। न्यूट्रिएंट की बात कर ले
न्यूट्रिएंट में क्या होता है, फैट 5% पाया जाता है, प्रोटीन 11.5% पाया जाता है, फिर उसके बाद मिनरल्स की बात कर लें तो 2.7% पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, 67% पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बातें उसके न्यूट्रिएंट से लेकर कि न्यूट्रिएंट में प्रोटीन कितना परसेंट, 11.5%, फैट 5%, कार्बोहाइड्रेट 67% और मिनरल्स जो है 2.7% पाया जाता है। फिर उसके बाद वीट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो खरपतवार की भी समस्या आती है। तो कौन कौन से खरपतवार होते हैं, जैसे बरू हो गया, जंगली चौलाई हो गई, दो घास हो गए, मोथा हो गया, गोखरू हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो खरपतवार आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एट्राजिन का आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के बाद जो है एट्राजिन का प्रयोग करते हैं। किस दर से प्रयोग करते हैं, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए एट्राजिन का प्रयोग करते हैं, कितना प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, 1 किलोग्राम। क्लियर बात। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें डिजीज, डिजीज में लगता कौन सा है, डाउनी मिल्ड्यू, जिसे हरित बाली रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, हरित बाली या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। किसके द्वारा लगता है, फंगस के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, फंगस के द्वारा लगता है। कौन सा पैथोजन है, तो स्कोलोस्पोरा ग्रैमनिकोला, स्केलोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक पैथोजन होता है जिसके कारण डाउनी मिल्ड्यू या हरित बाली रोग लगता है। ये रोग जो है मृदा जनित भी होता है और बीज जनित भी होता है। ठीक है ना, ये रोग जो है मृदा जनित भी होता है और रोग जनित भी होता है। ठीक है ना, बीज जनित है तो कहने का मतलब बीज को तो ट्रीटमेंट कर लेंगे, लेकिन मृदा है तो ज्यादा हेक्टेयर में तो उसको ट्रीटमेंट करना करेंगे मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए खड़ी फसल में क्या करते हैं, मैंकोजेब का जो है छिड़काव करते हैं, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मैंकोजेब का प्रयोग करते हैं। फिर अगला रोग कौन सा है, अर्गेट या चिपका रोग। अर्गेट या चिपका रोग क्या होता है, जब इसका कहने मतलब चिपका रोग, ये जब ये होता है ना तो ये जो है शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है और सूखने पर टाइटपन पड़ जाता है। पौधे पर जब ये होता है तो चिपचिपा सा लगता है और जब ये सूखता है तो टाइटपन हो जाता है, कठोरपन हो जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा फैलता है, फंगस के द्वारा फैलता है। कौन सा फंगस होता है, कौन सा पैथोजन होता है, तो फ्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक पैथोजन होता है। ठीक है, जिसके कारण ये अर्गट या चिपका रोग लगता है। ठीक है, शहद जैसा चिपचिपा होता है, लक्षण है इसका। ठीक है ना, और बाद में क्या होता है, सूखकर हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए कैप्टान या थारान से जो है सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बीज को उपचारित किया जाता है, किससे करेंगे, कैप्टान या थारान से। 2 से 3 ग्राम कितना मात्रा लेंगे, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी सीड, प्रति 1 किलो सीड के लिए 2 से 3 ग्राम का कद, यानी कि कैप्टान या थारान की मात्रा लेंगे प्रति केजी ट्रीटमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद स्मट डिजीज की बात करते हैं, जिसे काग्या रोग भी कहते हैं। ये भी जो है कवक के द्वारा लगता है, किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगता है। और कवक के द्वारा लगता है तो कौन सा कवक होता है, पैथोजन टोली स्पोरियम पेनिसिलेरी नामक पैथोजन होता है जिसके कारण इसमें डिजीज लगता है। लक्षण क्या होते हैं, इसमें जो स्पॉट बनते हैं, दानेदार बनते हैं, फिर बाद में जो है काले चूड़ की तरह जो है छूटते हैं। ठीक है ना, काले चूड़ के द्वारा, काले चूड़ के तरीके जो है दिखाई देते हैं, जैसे उसको छुएंगे तो टच होंगे तो जब हाथ में जो लगेगा काला छोड़ के रूप में दिखाई देगा। कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, बीटा वैक्स का प्रयोग करते हैं 0.25% से। ठीक है, ये इसके सबसे अगर मेजर डिजीज देखा जाए तो इसमें एक एस्मेट होता है और अर्गट होता है, ये दोनों इसके मेजर होते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद इंसेक्ट की बात की जाए तो सफेद लट कीट लगता है। कौन सा लगता है, सफेद लट कीट लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीड को ट्रीटमेंट करते हैं। इसके कंट्रोल के लिए क्या किया जाएगा, सीड का ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरा दीमक लगता है, दीमक के लिए क्या करेंगे, 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरीपाइरीफास का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, क्लोरीपाइरीफास का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हेयर कैटरपिलर, ये भी एक कीट होता है। इसके कंट्रोल के लिए पौधे की जो पत्तियां होती हैं, डेंटल होते हैं, जो सॉफ्ट भाग होते हैं, उनको खा जाता है। 2% मिथाइल पैराथियन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसमें एल्ड की। एल्ड क्या होती है, इसकी सिंचित क्षेत्र में जो एल्ड पैदा होती है 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, और असिंचित क्षेत्र में 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्र में कितना, 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर तैयार होती है। तो ये आपका जो है पूरा बाजरे की क्रॉप जो है लगभग कंप्लीट हो गई। रही बात जैसे कि थ्योरी में पेपर होता है तो थ्योरी में लिखने के लिए इतने बिंदु हो गए हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमें कागज बिंदु पता होंगे, एग्जैक्ट डाटा पता होगा, तो लिखने में कोई समस्या नहीं होगी।
अच्छा इसको लिख के यानी कि बताने का कारण रहता है कि कम समय में बन जाए, तुम लोगों को जैसे ज्यादा समय की वीडियो हो जाती है तो देखने में ऊब लगती है, तो इसलिए हमने पहले लिख दिया फिर बता दिया। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू।